चीन के हालात खराब हैं, लेकिन असर अमेरिका पर दिख रहा है। प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन चीन में चल रहे हैं, लेकिन नुकसान अमेरिका को हो रहा है। आप कहेंगे भला ऐसा क्यों हो रहा है? एशियाई देशों में चल रही टेंशन कैसे अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे आज के समय में एक देश की आफत दूसरों को भी परेशानी में डाल सकती है। हाल के समय में आपने काफी खबरें सुनी होंगी कि चीन की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी देश के कई हिस्सों में लागू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत चीन में कई जगहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इन प्रतिबंधों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों से लेकर शिनजियांग और झेंगझोउ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों तक में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चीन में चल रही इस संग्राम के साइड इफेक्ट अमेरिका को मुश्किल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीन दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहां इस तरह की परिस्थितियां अमेरिका की लीडिंग टेक कंपनियों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। जैसे झेंगझोउ सिटी को ले लीजिए, ये चीन का वो शहर है जहां से एप्पल का धंधा चलता है, मतलब वहां फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है जहां आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नवंबर की शुरुआत में इस फैक्ट्री से ही बवाल शुरू हुआ था। इसी फैक्ट्री पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए, जिसके बाद वहां के वर्कर्स दीवार फांद कर भाग निकले, क्योंकि वहां के वर्कर्स में ये डर फैल गया कि चीनी सरकार इस इलाके को कोविड एक्सपेरिमेंट कैंप में बदलने वाली है, ताकि देखा जा सके कि यहाँ वर्कर्स जिंदा रहते हैं या फिर मर जाते हैं, जिस कारण मामला बिगड़ता चला गया। और आज इन सारी परिस्थितियों के कारण इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप पड़ गए हैं। इसके कारण तेल की खपत भी कम हो गई है। इससे हो क्या रहा है? दरअसल चीन में क्रूड ऑयल के डिमांड में आई कमी की वजह से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड यानी WTI फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट आ गई है। चीन में बड़ी उत्पादन क्षमता वाली कंपनियों के शेयरों पर दबाव नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि एप्पल का शेयर 2.6% गिर गया है। इस परिस्थिति की वजह से ही आईफोन प्रो का प्रोडक्शन साल में 6 मिलियन यूनिट तक घट जाएगा। चीन में बंद फैक्ट्री की वजह से एप्पल अपने आईफोन के ऑर्डर को पूरा करने में अब सक्षम नहीं है। इससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक चीज दूसरी चीजों को प्रभावित कर सकती है। विरोध प्रदर्शन के बीच सप्लाई चेन प्रभावित होने की चिंता भी बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शन से वहां काम करने वाली कंपनियों के लिए सप्लाई को लेकर अनिश्चितता जो बढ़ गई है, और जाहिर है ये महंगाई पर काबू पाने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन की इस स्थिति से अमेरिका के बाजार काफी परेशान और बेहाल दिखते हैं। जैसे डाउ जोन्स देख लीजिए, 497 अंक की गिरावट के साथ 33,839 पर डाउ जोन्स बंद हुआ। S&P 500 1.54% गिरावट के साथ 3,963 पर क्लोज हुआ। इसी तरह नेस्डेक कंपोजिट को देख लें तो 1.58% की गिरावट के बाद 11,049 पर ये क्लोज हो गया। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी से 29 तारीख की सुबह ग्लोबल बाजार नरम नजर आए, वहीं एशिया बाजार भी सुस्त दिखे। और जाहिर है कमजोर ग्लोबल संकेत का असर भारतीय शेयर मार्केट पर भी पड़ सकता है, यानी एक देश की परेशानी दूसरे देशों के लिए आफत बन सकती है।